हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम कवरिंग एएमए एससीएमपी रिलेटेड कॉन्सेप्ट कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। और इसलिए मैंने इसमें एएमए की पीएम का क्वेश्चन 11 और 12, जो चैप्टर 2 डिसीजन मेकिंग यूजिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड सीवीपी एनालिसिस है, उससे मैंने लिया है। इस टॉपिक में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये मशीन किस यूनिट पे और कितनी यूनिट पे रेंज पे मशीन को लगाना चाहिए, ए लगेगी या बी लगेगी या सी लगेगी। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है और इसको सब लोग लर्न करके जाते हैं। तो मैं इसका एक लॉजिक बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और मैंने इसे सोल्यूशन भी इसका चार्ट फॉर्म में और बहुत ही ईजी वे में बताया है। और मैं इसमें ये प्रूव भी करूंगा कि ये जो इसमें यूनिट्स आती है वो इसको फुलफिल करती है, मतलब ये प्रूव होगा कि ये दोनों मशीन उस पर इक्वलेंट रहती है। और इससे रिलेटेड मैंने एक कैपेसिटी रेशियो और कैलेंडर रेशियो और एक्टिविटी रेशियो, इससे रिलेटेड भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है रोबो मेथड के अकॉर्डिंग। उसमें मैंने रोबोट और ह्यूमन का कंपेयर किया है। आप उस वीडियो को भी जाके देखिएगा और आपको इजी लगेगा समझने में, क्योंकि उस फॉर्मूले को याद करना और उसको कैसे सॉल्व करना है उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप वो वीडियो भी चेक करिएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन 11 है, जिसमें आपको ये बता रहा है कि एक मैनुअल है, एक सेमी ऑटोमेटिक है, एक फुली ऑटोमेटिक है, और इसकी एक कॉस्ट दी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। सो आप सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आप अपने पीएम में देख लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में देख लीजिएगा। तो ये इंडिफरेंस पॉइंट है। तो मैंने मीन्स में लिखा है एट वॉट पॉइंट एंड टू ऑल्टरनेटिव्स हैव अ सेम कॉस्ट, मतलब कि किस पॉइंट पे ये दोनों ऑल्टरनेटिव मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी सेम रहती हैं, इक्वलेंट रहती हैं। और मैंने देखिए इसमें बताया है कि इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में मेन फोकस हमारा फिक्स कॉस्ट पे रहता है और वेरिएबल कॉस्ट पे रहता है। और नीचे देखिए मैंने इसमें बताया है कि इसे मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रूव भी करूंगा कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आया है वो सही है और इसमें क्या लॉजिक होता है। सो गाइस, अब क्वेश्चन में चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो आप देखिएगा पीएम में, उसमें मैंने इसको तीन कैटेगरी में बांट दिया है, ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी। मतलब कि एक दो मशीन है जिनमें मैंने कंपेयर किया है। इसमें क्वेश्चन में तीन मशीन है तो ये तीन चार्ट बन गया। सो आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट में चेंज इन फिक्स कॉस्ट, तो ए और बी की जो फिक्स कॉस्ट है उन दोनों का टोटल करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस लेने पे हमारा आ रहा है 30,000। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट का आप दोनों का टोटल करिए और दोनों का डिफरेंस लीजिए तो ये आ जाएगा 100। इसी तरह आप ए और सी में कंपेयर करिए, इसी तरह आप बी और सी में कंपेयर करिए। तो आप ये देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट आ गई है, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है। और इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आई है दो मशीन के ऑल्टरनेटिव में और जो हमारी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगी है उसमें उसका कंपेरिजन करते हैं, तो वो कितनी यूनिट बनेगी तो उससे हमने उसको डिवाइड किया है। तो देखिए फर्स्ट केस में 300 यूनिट आ रही है, सेकंड केस में 550 यूनिट आ रही है, थर्ड केस में 800 यूनिट आ रही है। सो आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन में ही पूछता है, एसईएमपी में भी केस स्टडी में ये पूछेगा कि ये बताइए अगर इतनी यूनिट रहेगी तो इन ऑल्टरनेटिव में कौन सी मशीन यूज करना है। इसी में सबको बहुत डाउट रहता है कि कौन सी मशीन यूज करना है। तो इसका प्रूफिंग मैं आगे बताता हूँ और इसका कैलकुलेशन भी बताऊंगा और लॉजिक भी बताऊंगा कि ये कैसे होता है। सो गाइस, अब मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये इंडिफरेंस पॉइंट जो आया है वो कैसे हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए और बी के केस में हमारी यूनिट्स कितनी आई थी, 300 यूनिट आई थी। सो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो आपको वो क्वेश्चन में दिखेगा कि वो 240 है, ठीक है। तो आपने 300 यूनिट बनाई और उसको 240 से मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल कॉस्ट को, तो देखिए आपकी वैल्यू आ रही है 72,000। फिक्स कॉस्ट आपको पता है ए की 1.5 लाख है, तो इसको आपने टोटल कर दिया, सॉरी 1.5 लाख नहीं, 15,000 है, तो इसको आपने टोटल कर दिया तो ये 87,000 रुपीज़ आ गया। अब देखिए बी के सेक्शन में आप देखिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि 300 यूनिट तो है लेकिन इसकी वेरिएबल कॉस्ट 140 है, तो उससे मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी फिक्स कॉस्ट दी है 45,000। तो आप यहाँ पे भी देखिए, टोटल में देखिए जो येलो से हाईलाइटेड है वहाँ पे भी 87,000 आ रहा है। तो देखिए ए और बी के केस में ये बता रहा है इनडिफरेंस पॉइंट, मतलब कि अगर ए मशीन चलेगी तो 87,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा 300 की यूनिट पे, सेम अगर बी चलेगी तो 87,000 यूनिट का खर्चा आएगा 300 यूनिट पे।
देखिए इसमें आपका उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी डिफरेंट है, फिक्स कॉस्ट भी डिफरेंट है, लेकिन इस 300 यूनिट के केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसी को कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको प्रूफ करने के लिए एक और देखना है तो आप ए और सी का देखिए। ए के केस में देखिए नीचे 240 × 550, और देखिए इसकी वैल्यू ये आ रही है। इसी तरह से आप देखिए फिक्स कॉस्ट इसकी 15 जा रहे हैं, 240 की वेरिएबल कॉस्ट है, और क्योंकि ए और सी के केस में 550 यूनिट आई है, तो देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आ रही है 1,47,000। अब देखते हैं सी वाले के केस में। नाउ सी वाले के केस में देखते हैं, 550 यूनिट का इंडिफरेंस पॉइंट आया था, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 40 है, और देखिए उसकी वैल्यू आ गई 22,000, फिक्स कॉस्ट की दी है 1,25,000, तो इसका टोटल देखिए 147 आया। और इसी तरह ए का आया था अभी पिछली वाली कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर ए और सी में कंपैरिजन करेंगे मशीन में, तो ये 550 की यूनिट पे जब वो आएगा तो इन दोनों की जो कॉस्ट है वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट ये इक्वल हो जाएगी। और आप यहाँ देखते हैं कि कौन सी मशीन को हमको सिलेक्ट करना है। तो देखिए मशीन को सिलेक्ट करने का लॉजिक क्या है। देखिए जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में क्या होता है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट रहती है, तो ये मोटिव होता है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी रिकवर हो जाए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। और उसकी फिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है, और जिसकी फिक्स कॉस्ट कम रहती है तो उसका फोकस उसमें नहीं रहता है कि वो फिक्स कॉस्ट रिकवर करना रहता है। तो इसमें देखिए ये यार में देखिए कि इन केस ऑफ इनिशियल बिजनेस फिक्स कॉस्ट लेस एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज, मतलब कि इसमें ये मैंने इंडिकेशन में बताया है कि इनिशियल स्टेज पे फिक्स कॉस्ट जब रहती है तो फिक्स कॉस्ट जो कम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट उसकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो नया नया बिजनेस रहता है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो उसकी जो फिक्स कॉस्ट रहती है तो वो सोचता है कि हम इतना बिजनेस कर लें या इतनी मैं सेल कर लूँ कि मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो लोअर देन इंडिफरेंस पॉइंट। तो इसमें यही बता रहा है कि जब इंडिफरेंस पॉइंट जो आता है अगर उससे लोअर वैल्यू रहती है तो वहाँ पे हमको वो मशीन को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें फिक्स कॉस्ट आपकी कम है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट उसकी कम है तो वो अपनी फिक्स कॉस्ट जल्दी से रिकवर करना चाहेगा इनिशियल बिजनेस वाला। और सेकंड केस में आप देख सकते हैं जब मिडिल स्टेज बिजनेस रहता है, मतलब कि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, तब उसका फोकस क्या रहता है कि उसमें भी क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट जो है कम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज रहती है, दोनों में इनवर्स रिलेशन रहता है। देखिए फिक्स कॉस्ट के केस में एरो नीचे है, वेरिएबल कॉस्ट के केस में एरो ऊपर है। ऊपर वाले केस में भी फिक्स कॉस्ट का एक नीचे है तो वेरिएबल कॉस्ट का ऊपर है। तो इसमें आपको क्या रहता है, इसमें मिडिल स्टेज पे रहता है, मतलब कि इन डिफरेंट पॉइंट से जो नीचे है वो तो इनिशियल वाले के लिए हो गया जो स्टार्ट में बिजनेस करता है। मिडिल वाले के लिए क्या रहता है, इन डिफरेंट पॉइंट और जो मैक्सिमम क्वांटिटी रहती है उसके बीच की वैल्यू ली जाती है। नाउ थर्ड केस में देखते हैं, जिसमें केस में बिजनेस जो है मैच्योरिटी पीरियड पे रहता है या फिर उसको प्रॉफिट होता रहता है, तो उसका फोकस क्या रहता है, उसमें फिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है और वेरिएबल कॉस्ट की लेस हो जाती है। तो इसमें देखिए फिक्स कॉस्ट ऊपर जा रही है और वेरिएबल कॉस्ट नीचे जा रही है। तो इसमें यह है इंडिफरेंस पॉइंट, अगर 8,000 के ऊपर या उसके इक्विवेलेंट रहता है तब ये मशीन यूज करनी चाहिए। तो इसमें क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन ये है कि आप क्वेश्चन को देखने के बाद ही बता सकेंगे कि किसमें कौन सा यूज करना है। अगर आपने देखा है कि किसी मशीन में फिक्स कॉस्ट कम है तो आप तुरंत समझ जाएगा कि वो इनिशियल स्टेज का है, तो वो कम वाली जो फिक्स कॉस्ट है वो उसे जल्दी जल्दी रिकवर करना चाहेगा जिससे वो बिजनेस में सस्टेन कर सके, क्योंकि जब उसकी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई उसके बाद वो प्रॉफिट कमा सकेगा। तो इनिशियल स्टेज पे ही होता है। सेकंड केस में क्या होता है, मिडिल स्टेज में, उसमें क्या होता है कि वो जो इनिशियल से ऊपर रहता है और इंडिफरेंस पॉइंट का जो मैक्सिमम लिमिट होती है उससे वो कम रहता है। उस केस में भी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा अरे कम रहती है, लेकिन वो उससे ज़्यादा रहती है फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस मतलब कि इनिशियल स्टेज पे। और थर्ड वाले केस में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है और वेरिएबल कॉस्ट नीचे हो जाती है, रिवर्स में इसका चलता है। सो गाइस अब आप लोग पीएम में इसका क्वेश्चन देखिएगा और उसे सॉल्व करिएगा इस तरीके से, और इसमें ये लॉजिक रखिएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पीएम के, उसका आप क्वेश्चन देख लीजिएगा पीडीएफ में, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो इसमें तीन मशीन है M1, M2, M3। तो हमारा मेन फोकस हमने क्या बताया था कि हमारा मेन फोकस फिक्स कॉस्ट पर रहता है और वेरिएबल कॉस्ट पर रहता है। तो इसमें भी देखिए क्योंकि तीन मशीन है तो तीन चार्ट बन गया कंपैरिजन का। तो देखिए आप देखते हैं चेंज इन फिक्स कॉस्ट में M1 और M2 का आप टोटल करिए फिक्स कॉस्ट का और दोनों का डिफरेंस लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी।
वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करिए और डिफरेंस लीजिए। उसमें भी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, अलग अलग बाइफरकेट किया है, तो उसको आप टोटल करिएगा और उसके बाद दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। तो इस तरह से आप M2 के लिए भी करिएगा और M3 के लिए भी करिएगा। तो देखिए इसमें वैल्यू आपकी इंडिफरेंस पॉइंट की क्या आ रही है। फर्स्ट केस में 1000 यूनिट आ रही है, सेकेंड केस में 400 यूनिट्स आ रही है, थर्ड केस में 600 यूनिट आ रही है। तो अब इसके बाद प्रूफिंग करने के लिए चलते हैं। सो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो ये इंडिफरेंस पॉइंट पे यूनिट आती है, इसमें ये होता है कि अगर M1 और M2 की इंडिफरेंस पॉइंट 1000 यूनिट आई है, तो इस यूनिट पे इन दोनों की टोटल कॉस्ट सेम आएगी। सो लेट चेक। M1 मशीन का देखिए आप, 1000 यूनिट है, उस पर उसकी 100 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है, उसका फिक्स कॉस्ट 2,50,000 है। तो इसका आप टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करने पे आपको 3,50,000 आ रहा है। M2 के केस में 1000 यूनिट है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है और उसकी फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है। तो देखिए इसमें भी वैल्यू 3,50,000 आ रही है, सेम आ रही है। प्रूफ करने के लिए आप सेकंड वाला भी ले सकते हैं, M2 एंड M3। इसमें भी देखिए M2 और M3 के केस में यूनिट 400 आ रही थी, और हमको पता है M2 की वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट है और उसकी फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है, और M3 की 400 यूनिट आई है जो, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 400 है और उसकी फिक्स कॉस्ट 70,000 है। तो आप इसको जब टोटल करके देखेंगे तो देखिए दोनों की फिगर सेम आ रही है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये इंडिफरेंस पॉइंट है, इस केस में दोनों की कॉस्ट इक्वल आ गई। और आप अगर आप क्वेश्चन को भी देखेंगे तो देखिए M1 के केस में 2,50,000 की फिक्स कॉस्ट है, M2 के केस में 1,50,000 की है और M3 के केस में 70,000 है। तो आप ये बिना सॉल्व किए भी ये बता सकते हैं कि देखिए M3 की जो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, वो 70,000 है। इनिशियल स्टेज पे फिक्स्ड कॉस्ट 70,000 लगी, तो कोई भी जो है रिकवर करना चाहेगा तो ये 70,000 पहले कवर करना चाहेगा, तो ये आपको पहले ही पता चल गया। फिर सेकंड केस में देखिए 2,50,000 और 1,50,000 में से दोनों में कौन कम है, 1,50,000, तो सेकंड केस में M2 आ जाएगा और थर्ड केस में M1 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो है उसमें जो भी पूछेगा उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, बाकी आप क्वेश्चन को देख कर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर पहले केस में क्या होगा। कि जहां पर M3 आ रहा है, M3 आ रहा है तो उसमें देखिए सबसे कम यूनिट किस में आ रही है, जिस यूनिट में सबसे कम आ रही है वहां से वो रिकवरी कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि M2 जो है और M3 के केस में 400 यूनिट आ रही है, तो 400 यूनिट पे M3 यूज करेंगे क्योंकि उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 70,000 है। अब आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि अगर यूनिट 400 से कम या इक्वल है तो M3 यूज करेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट की कम है और वेरिएबल कॉस्ट की ज्यादा है, ठीक है। सेकंड केस में मिडिल स्टेज का जो बिजनेस रहता है उसमें क्या होता है कि वो इनिशियल वाले से उसकी फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, और आप देख सकते हैं कि M2 में 1,50,000 की फिक्स कॉस्ट है। तो देखिए सेकंड केस में आ गया है यूनिट्स अगर 400 से ज्यादा या उसके बराबर है, और 1000 जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है इंडिफरेंस पॉइंट की, उसके बराबर या उससे कम है, तो हम M2 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट लेस है और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। देखिए दोनों के केस में एक डाउन में एरो जा रहा है, एक अब ऊपर जा रहा है, और थर्ड केस में देखिए M1 आएगा क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट है 2,50,000। इसमें देखिए कि फिक्स कॉस्ट अबव है और वेरिएबल कॉस्ट लेस रहेगी। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अब डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैंने SFM की 5 क्वेश्चन डाले हैं विद कॉन्सेप्ट, और जो हार्ड क्वेश्चन है या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका मैंने डिफरेंट वे में सोल्यूशन दिया है, बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन दिया है। आप उसको भी चेक करिएगा प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे। और मैंने केस लॉ से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, 1 नवंबर से इशू हुआ है 2019 से लेके 30 अप्रैल 2020 तक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ, वो भी मैंने बताया है, उसमें वीडियो बनाया है और उसका PDF भी है। आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा और उसमें ऐड होइए, और आपको जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के वीडियो पे पूछिए। कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में सोल्यूशन में, तो मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा ईजी वे में। और प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो उसमें SFM से रिलेटेड, AMA से, CMPE से रिलेटेड, केस लॉ से रिलेटेड,
अमेंडमेंट से रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप चैनल जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जो भी कोई क्वेश्चन हो या कोई ट्रीटमेंट को समझ में ना आ रहा हो, आप उसे पूछिएगा, सारे का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।